रेवती एक 13 साल की लड़की है। सबको बोले रेवती एक 13 साल की लड़की है। लड़कियों के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में वह एक कितने साल की लड़की है? 13 साल। तुम्हारी एज की लड़की है ना? रेवती तुम लोग हो? रेवती कौन है? तुम लोग बॉयज गर्ल्स जो भी। वो कहाँ पढ़ती है? प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। किसके साथ रहती है वो? माता पिता के साथ। माँ उसको क्या कहती है, पढ़ने या नहीं पढ़ने? पढ़ने के लिए कहती है। लेकिन क्या चीज़ के लिए रोकती है? फोन पे ज़्यादा देर बात करने से और टीवी देखने से मना करती है। तो रेवती को क्या लगता है, अच्छा या बुरा? बुरा लगता है। तो उसकी माँ बुरा क्यों लगता है? तुम मना करती हो, गलत करती करती है या अच्छा करती है? सच में ये तुम लोग बोल रहे हो ना, तुम लोग रेवती हो। वो अच्छा करती है तो नाराज क्यों हो रही है रेवती? रेवती को नाराज नहीं होना चाहिए था। क्यों रेवती नाराज हो रही है? आ? आ? उसको लगता क्या लगता है रेवती को? खड़ा बोला उसको लगता है कि छोटी बच्ची समझती है। और रेवती क्या समझती है अपने आप को, कि हम अपना क्या निर्णय ले सकते हैं। तो क्या रेवती सही सोच रही है? उसकी मम्मी सही सोच रही है? तुम लोग बोल रहे हो, तुम लोग की मम्मी बोलती है। तो रेवती को ऐसा करना चाहिए, ज़्यादा मोबाइल पर बात करना चाहिए? करना चाहिए, बात करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मोबाइल लगे हुए हैं। क्वेश्चन है, क्या रेवती और उसकी माँ के बीच में टकराव का एक समान घटना है? क्या डेली घटित होता है? रेवती की माँ डेली बोलती होगी ना, और डेली वो मोबाइल देती है, तो क्या एक समान घटना है? अभी हाँ, तो माता पिता बच्चे के बीच इन टकराव के कारण क्या है? अगर ये डेली लड़ाई होता है दोनों में, तुतु मैं, तो इसका कारण क्या है? मोबाइल टीवी और बच्चे का अपना निर्णय लेने के, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो क्या 13-14 साल के बच्चे जो निर्णय ले रहे हैं, और जो 40 साल की महिला निर्णय ले रही है, दोनों कौन सही हो सकता है? लेकिन हमें लग रहा है कि हमारी माँ हमें टोका टोकी करती है ना? उनका निर्णय ज़्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि उनके पास 40 साल का क्या है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है।
जो 13 साल के बच्चे के पास नहीं हो सकता। अगर माँ कुछ कहती है, अगर माँ ने कुछ कहा तो कभी आप लोग के सभी के माँ ने कुछ कहा है, आप लोगों को कभी कुछ किया है, तो क्या कभी आपने उसी बात को किसी और से पूछा कि हमारी मम्मी ऐसे करती है, क्या गलत है कि सही है? आप निर्णय ले लिए मम्मी तो पागल है ऐसे बोलते रहती है। कभी आपने अपने टीचर से पूछा कि सर हमें मम्मी ऐसा करती है कहती है, चाहे सही है गलत है? अगर गलत है तो मैं उन्हें फोन करके बोलूँगा कि आप बच्चे को ऐसे नहीं कर सकते, और अगर सही है तो मैं तुम्हें कहूँगा तुम सही बोल रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब दो लोग बोलेंगे तो उसके बाद मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं? यस सर। तो फिर ऐसा ये सशनी तुम्हारे लिए है ना, तुम लोग खुद बोल रहे हो कि गलत है, इसका मतलब यहाँ पे ठीक है बोलते ना भगवान के पास स्वीकार कर लिए कि हाँ गलत है गलत है। तो इस चीज़ को हम पीछे में भी याद रखेंगे कि वहाँ पर तो हम कह दिए कि गलत है, लेकिन एक बार तो सोचोगे जरूर, करोगे जरूर, लेकिन सोचोगे भी जरूर, है ना? और उसका परिणाम जब आएगा तो पता चलेगा वो तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। बोले थे उस समय जब टेंथ में थे तो सर भी बोले थे नहीं माने, और कब पास समझ में आएगा? जब शादी हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, उसके पास समझ में आएगा जब बच्चे बोले और कैसे बोलते थे, है ना? सरकार यही सोच रही है कि जब इनके बच्चे उसके पहले इनके समझ में आ जाए, जो उनके माता पिता सब बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते हैं, हाँ अगर गलत बोलते हैं कोई तो उसका आप टीचर से जा करके बोल सकते हो। घर में और कोई पापा है, दादा है, कोई और रिलेटिव है जो उनकी बात मानते हैं, उनसे बोल सकते हो, पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, उनके बीच में इस मतभेद को सुलझाने के लिए रेवती और उसकी माँ क्या कर सकती है? अगर एक डेली ऐसे ही बोला बोली होता है, डेली दो गाली इधर से सुनने को मिलता है, मोबाइल में देखते रहती है, ये वो काम नहीं करती, ऐसे नहीं करती, ये सब चलते रहता है, क्या करना है, क्या करोगे, कौन बताएगा? अगर ये दोनों का लड़ाई जो चल रहा है उसको कौन समझाएगा? एक और तो समझना पड़ेगा, या तो उसकी माँ गलत है या उसके बच्चे गलत है, वो नहीं समझ में आ रहा ना। पहले ये तो डिसीजन लेना है ना कि गलत क्या है और सही क्या है ना। अगर मम्मी पापा दोनों में समझ में आ जाए कि हाँ मम्मी सही, पहले आपको मैटर समझ में आ जाए सही है तब समझेंगे, जबरदस्ती कि हाँ मम्मी आ गई निकाल देते मोबाइल, है ना, फिर गई आएगी। वो नहीं समझ हुआ, वो तो डर हो गया ना, वो आप कहाँ समझोगे? किसी रिलेटिव के पास जो या पापा हैं दादा हैं दादी हैं जैसे बोलती है, दादा के पास जाकर बोलो क्या कहेंगे, पापा के बाद तो यही कहोगे, अरे पापा क्या बोलेंगे, तो मम्मी के बात बोलेंगे, और जहाँ जो उल्टा बोल रहे हैं तो वो सुन देंगे, इसलिए मम्मी तो वो पापा की बात नहीं चलेगा, है ना। दादा के पास तो भाई वो भी कहेंगे कि खाना खाना है तो मम्मी के साथ चलना है, तो वही बोलेंगे, चलो सर से जाकर बोल देते हैं, मैडम से जाकर पूछ लेते हैं कि मम्मी ऐसे कर, खुद भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं तो टीचर के पास नहीं आए जाएंगे। तो हमें इस बात को खुद समझना होगा, जब आज इस बात को मैटर आपने खुद कहा कि ये गलत है, इसका मतलब वाकई में गलत है, इतने बच्चे बोल रहे हैं, ये सारा रिपोर्ट जाएगा, आप लोग 18 बच्चे हो आर्टिस्ट वाले हैं, इसका रिपोर्ट जाएगा ब्लॉक कि इतने बच्चों ने आज इस केस स्टडी का अध्ययन किया, हर वीक में रिपोर्ट जाएगा, इतने लड़के और इतनी लड़कियों ने इस रिपोर्ट को पढ़ा, पूरे 40 करोड़ जनसंख्या है बच्चों का, तो उस 40 करोड़ में कितने बच्चों ने इस चीज़ का स्टडी किया, वो सारा रिकॉर्ड कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाने वाले, भारत सरकार के पास जाने वाले। हमने 10 करोड़ बच्चों को ये दिया या 20 करोड़ बच्चों को दिया, उसके आधार पर इसका आग्रह किया, है ना। तो आप लोग मेन फोकस हो गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, इन बच्चों को अभी से माइंड मीन्स तक ये चीज़ें बहुत दी जाए कि आगे आने वाले में एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए।